कि आप सभी जानते हो ड्रीम इलेवन पे डिपॉजिट ऑफर चल रहा था, उसी के साथ साथ आपको ड्रीम इलेवन पे 50% डिस्काउंट ऑफर भी चल रहा था अगर आप लोग फैन कोड से कुछ भी शॉपिंग करते हो तो। तो अब आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग फैन कोड से जाके 50% जो डिस्काउंट हम लोगों को मिला है उसको कैसे हम लोग यूज़ कर पाएंगे और फिर कैसे वहाँ से डिस्काउंट लेके जो भी ड्रेस परचेज करना चाहते हो कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सबसे पहले बैनर जिसको शो कर रहा होगा उन लोगों को ही यहाँ पे कैश बोनस मिला होगा। तो यहाँ पे तीन जो था मैंने बताया था जैसा, तो यहाँ पे देख सकते हो तीनों ऑफर के साथ यहाँ पे 50% डिस्काउंट ऑफर था। तो अब आप लोग कैसे उसे यूज़ करोगे, कहाँ पे आपको मिलेगा ये डिस्काउंट कूपन कोड जो है, और फिर कैसे आप लोग उसे फैन कोड पे शॉपिंग कर पाओगे, पूरा का पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हम लोगों को जो कूपन कोड है वो कहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले आपको अपना जीमेल ओपन कर लेना है जिससे आप लोग अपना ड्रीम इलेवन वेरीफाइड किए हो, मतलब जिससे लॉगिन किए हो। तो यहाँ पे आपको मेल में मिल जाएगा, अगर आप लोगों का आज नहीं आया तो फिर कल तक आ जाएगा। कल 11:59 से पहले आप लोगों को कूपन कोड जो है यहाँ पे दिखा देगा, और आप लोग यहाँ से उस कूपन कोड को कॉपी करके फिर आप लोगों को जाना होगा फैन कोड के एप्लीकेशन में, या फिर फैन कोड आप लोग किसी भी ब्राउज़र में ओपन कर सकते हो। अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग फैन कोड के होम पेज पे आ गए हैं, यहाँ पे जो भी हम लोगों को परचेज करना होगा अपने हिसाब से यहाँ पे देख के हम लोग परचेज कर लेंगे। मान लीजिए अगर टी शर्ट लेना हो आपको तो आप लोग देख सकते हो इस पर 69% का डिस्काउंट ऑलरेडी चल रहा है। तो फिर अगर आप लोग इसे लेना चाहते हो तो ऐड टू कार्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको साइज सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर पिन कोड अपना जो भी है आप डाल के चेक कर सकते हो, और यहाँ पर चेक पर क्लिक करके फिर आप लोग ऐड टू कार्ट कर सकते हो। अब इतना करने के बाद आप लोगों को चेकआउट पे क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपका जो है कार्ड में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना नंबर, अपना जो शिपिंग एड्रेस है, आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हाउस नंबर या एरिया का नाम, फिर सिटी का नाम, स्टेट, पिन कोड और फिर फ़ोन नंबर डाल के यहाँ पे सेव पे करके कंटिन्यू टू शिपिंग कर लेना है। अब सबसे पहले इसको हम लोग फिल कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे आपको टिक करके यहाँ पे कंटिन्यू टू शिपिंग कर देना है, इसके बाद आपका जो है एड्रेस यहाँ पे सेव हो जाएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है शिपिंग करने का, तो आपको कंटिन्यू पेमेंट पे क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पे आप लोग कंटिन्यू करोगे तो फिर नेक्स्ट पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को जो भी डिस्काउंट कोड गिफ्ट कार्ड मिला है आप उस डिस्काउंट कोड को यहाँ पे डाल सकते हो, और डाल के जो इतना परसेंट का डिस्काउंट हो डालने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा, उसके बाद उतना का डिस्काउंट यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन आसानी के साथ पेमेंट कर सकते हो, और पेमेंट करके आप लोग यहाँ से जो भी चाहो मंगा सकते हो। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है आपका यूज़ करने का, और ये यूज़ करके आप लोग कोई भी ड्रेस चाहो तो यहाँ पर मंगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जो भी प्रोसेस मैंने बताया आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को देख मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।